तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। गदर 2 के बारे में कोई भी आंकड़ा प्रिडिक्ट करना, खुद की जुबान को झूठी करना एक ही बात है, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन जहां हम सोच रहे हैं चलो अभी तक हॉलीडे था तो कमाई कर गई, लेकिन वर्किंग डे में कौन ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करता है यार। या दोस्तों गदर 2 अभी तक तो उम्मीद में बैठे थे कि 600 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी, लेकिन कल के कलेक्शन के बाद तो मुझे लग रहा है अब ये 700 करोड़ का कलेक्शन लेकर ही जाएगी। और तीसरे दिन और पांचवें दिन के ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड से बॉलीवुड इतिहास की अभी तक की नंबर 1 फिल्म ये बन चुकी है पहले ही। तो आज बात करेंगे अपने सातवें दिन में क्या धमाल कर रही है फिल्म और छठे दिन तक कैसी ग्रोथ कर रही है मूवी ने, टोटल कितनी कमाई कर सकती है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी सनी बाजी और तारा सिंह का डाई हार्ट फैन हैं और गदर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, गदर 2 नो डाउट ओपनिंग डे से ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ते आई है और अपने ही फिल्म गदर एक प्रेम कथा तक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसे उस टाइम 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था। या दोस्तों जितनी सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर फर्स्ट थी वैसे ही गदर 2 भी होते जा रही है। इसी के साथ सामने अक्षय पाजी की ओएमजी 2 और रजनीकांत की जेलर जैसी धमाकेदार मूवी होने के बाद भी और मेगा स्टार चिरंजीवी की भोला शंकर होने के बाद भी जो क्लैशेस मिल रहे हैं, गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है आफ्टर ऑल दैट क्लैशेस, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी है आफ्टर पठान इन 2023, अमेजिंग। इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभर रही है इस टाइम तक, और ऐसा ही चलता रहा तो रोज मोटी कमाई अपने खाते में रखती रही तो ये पठान को भी खदेड़कर इस साल की नंबर 1 ग्रॉसर भी बन सकती है। दोस्तों ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं रह गई है, इमोशन बनकर उभर रही है पूरे भारत में, जिसे जनता 2001 में छोड़कर आ गए थे और अब वो सब दोबारा से रिकॉल हो रहा है। वाकई में दोस्तों गदर मूवी नहीं है, एक इमोशन है। या दोस्तों गदर 2 गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल है, जिसे 2001 में रिलीज कराया गया था और इसके लीड में पहली बार सनी पाजी को तारा सिंह के रोल में देखने को मिले थे और एक्शन के मामले में बाप बनकर उभरी थी एट दैट टाइम ये मूवी। तारा सिंह को वही प्यार फिर से मिल रहा है और मूवी में सनी पाजी ने गजब का एक्शन भी करा है, जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है अपनी पुरानी यादें ताजा करके ही आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया है और मूवी को 4000 स्क्रीन दी गई थी अपने पहले दिन, और गदर 2 ने गदर मचाते हुए अपने पहले ही दिन में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ का किया था, दूसरे दिन 43 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन किया था और अपने तीसरे दिन में एक ऐतिहासिक कमाई अपने खाते में रखकर बॉलीवुड इतिहास की नंबर 1 फिल्म बन चुकी थी और तीसरे दिन में 51.70 करोड़ का कलेक्शन किया था और अभी तक पहले 3 दिन का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 134 करोड़ के आंकड़े को टच कर दिया था मूवी ने, जो कि साल की मॉन्स्टर पठान के तीसरे दिन के कलेक्शन रिकॉर्ड और बाहुबली के हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड को भी खदेड़ता है अपने तीसरे दिन के। वहीं अपने चौथे दिन में भी 40 करोड़ का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस अपने खाते में रखा था। इसी के साथ दोस्तों अपने पांचवें दिन में इंडिपेंडेंस डे का हॉलीडे होने के साथ साथ ऐतिहासिक कमाई अपने खाते में रखी और बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बनी अपने पांचवें दिन में इतनी बड़ी कमाई करने वाली और सनी पाजी के करियर की पहली फिल्म बन चुकी थी। जी हां दोस्तों 55 करोड़ का कलेक्शन अपने पांचवें दिन में करा था। इसी के साथ पहले 5 दिन का टोटल नेट कलेक्शन 234 करोड़ के आंकड़े को टच करता है नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, और पूरी दुनिया से सुपर एंड सॉलिड फैन फॉलोइंग होने की वजह से वर्ल्ड कलेक्शन 300 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच कर रहा था अपने पहले 5 दिन के कलेक्शन के मामले में, और बॉलीवुड हिस्ट्री की नंबर 1 फिल्म बन चुकी थी जिसने फास्टेस्ट 300 करोड़ कंप्लीट करे थे। और हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड के मामले में बाहुबली, केजीएफ, पठान, संजू, भोला इन सभी फिल्मों को खदेड़ चुकी थी अपने पहले 5 दिन के कलेक्शन के मामले में। बात करें कल्याणी छठे दिन में कैसी ग्रोथ रही, भाई साहब अमेजिंग ग्रोथ रही, फिर से एक रिकॉर्ड अपने नाम करा। लगातार 6 दिन में 35 करोड़ का कलेक्शन करने वाली पहली फिल्म बनी अपनी शुरुआती 6 ही दिनों में। जी हां दोस्तों मॉर्निंग और आफ्टरनून में इतना अच्छा रिस्पॉन्स कल को देखने को नहीं मिला था, लेकिन ऑन द स्पॉट पब्लिक ने बुकिंग करके नाइट का पूरा आंकड़ा चेंज कर दिया और हाउसफुल का बोर्ड फिर से लगाना पड़ा। 30 करोड़ के आसपास जा रहा था यह आंकड़ा सुबह सुबह की प्रिडिक्शन तक, लेकिन आफ्टर दैट नाइट आफ्टर इवनिंग वो आंकड़ा 35 करोड़ में जाके रुका अपने छठे दिन में, और पहले 6 दिन के टोटल कलेक्शन में 264 करोड़ के आसपास हो चुका था। लेकिन वही बात करें आज यानी डे 7 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस आज भी एडवांस 9 करोड़ से खाता खोलते नजर आ रही है मूवी, और एंड ऑफ द डे तक मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग में जबरदस्त सोच अपने हिस्से में रखते हुए, इसी के साथ ऑन द स्पॉट बुकिंग शो का जलवा कल की तरह फिर देखने को मिलेगा इवनिंग के बाद, और मूवी आज भी कल की ही तरह 30 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच करते दिखेगी एंड ऑफ द डे तक, और अपने पहले 7 दिन में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 295 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर सकती है सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ पूरी दुनिया से यह फिल्म आज 383 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच कर सकती है और इस साल की जाइंट पठान को अपनी 3 हफ्ते की मोटी कमाई से खदेड़ देगी नो डाउट। तो दोस्तों मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है और जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है नो डाउट। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोगों ने भी गदर 2 को देख लिया है, आपको मूवी कैसी लगी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर
जरूर शेयर करके जाना। और गदर 2 क्या 1000 करोड़ का आंकड़ा टच कर पाएगी या नहीं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।